हेलो एवरीवन वेलकम टू अर यूट्यूब चैनल ऑडियोवर्स वर्स ऑफ बिजनेस एट स्कूल चैप्टर 311 सौ 320 डुआन लिक्सन के साथ कॉल काटने के बाद काव्या ने लेंग शाउटिंग को बताया कि वह डुआन लिक्सन के साथ व्यापार पर चर्चा करने के लिए जिनलिन होटल जा रही थी और अगर वह व्यस्त थे तो उन्हें उसके साथ रखने की आवश्यकता नहीं थी यह सुनकर लेंग शाउटिंग नाराज हो गए मानो उन्हें काव्या ने छोड़ दिया हो मैं आज व्यस्त नहीं हूं उन्होंने कहा दूसरे शब्दों में अगर वह चाहती तो वह उसके साथ जा सकता था क्या तुमने यह नहीं कहा कि तुम मुझे लूझान का फोन नंबर प्राप्त करने और एक अच्छी दुकान के साथ साथ एक महान स्थान के साथ एक कार्यालय भवन खोजने में मदद करोगे काव्या ने पूछा उसका लेंग शोटिंग से छुटकारा पाने का कोई इरादा नहीं था लेकिन उसे डर था कि वह महत्वपूर्ण बातों को भूल जाएगा ठीक इसी समय लेंग शाउटिंग का फोन बजा और एक नया संदेश आया उसने उसे देखा और फिर अपना फोन काव्या को दे दिया मुझे पहले ही उसका फोन नंबर मिल गया है लू झान का फोन नंबर शब्दों की पंक्तियों के साथ था जो बताता है कि लू जान को मनोरंजन उद्योग से बाहर क्यों कर दिया गया था तांग बिंगसेन वह व्यक्ति था जिसने लू जान को बाहर कर दिया था तांग बिंगसेन नाम पढ़कर काव्या घबरा गई और उसकी आंखों में दुश्मनी का एक स्पर्श झलक गया क्योंकि तांग बिंगसेन अपने पिछले अवतार में ठीक तांग आइनिंग के पिता थे क्या गलत लेंग शाउटिंग ने काव्या के अचानक हुए भावनात्मक परिवर्तन पर ध्यान देते हुए पूछा कुछ नहीं काव्या ने कहा लेकिन आगे नहीं बताया लेंग शाउटिंग ने आगे नहीं पूछा लेकिन काव्या के बारे में चिंतित महसूस किया क्योंकि उन्होंने काव्या की आंखों में स्पष्ट दुश्मनी देखी हालांकि उन्हें पता नहीं था कि यह किसके लिए लक्षित था दो साल पहले लू झान ने एक टीवी श्रृंखला की शूटिंग करने की योजना बनाई थी जिसमें टैन परिवार निवेशक था हालांकि टैन परिवार ने प्रमुख अभिनेत्री को बिना किसी अभिनय कौशल के एक नवागंतुक के साथ बदलने का अचानक निर्णय लिया था लू झान जिनके पास अपने काम की गुणवत्ता के लिए हमेशा एक उच्च मानक था ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था और उन्हें बाद में उद्योग से बाहर कर दिया गया था शीघ्र ही काव्या ने अपनी भावनाओं को समायोजित किया और शांत हो गई उसने लेंग शोटिंग को देखा और स्पष्ट रूप से उसकी प्रशंसा की आपकी तेज और विस्तृत जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद काव्या द्वारा तारीफ पाकर लेंग शाउटिंग खुश था और उसने कहा मैंने पहले ही लोगों को एक स्टोर और एक अच्छी जगह के साथ एक कार्यालय की इमारत खोजने के लिए भेजा है लेकिन इसमें समय लगता है काव्या को चाहे जो भी ज़रूरत हो वह उसे तुरंत पूरा करने में उसकी मदद करेगा किसी का फोन नंबर प्राप्त करना आसान था लेकिन एक अच्छी दुकान और कार्यालय भवन खोजने में समय लगता था इसके अलावा लेंग शोटिंग काव्या को कुछ विकल्प देना चाहता था काव्या ने इतमिन से मुस्कुराते हुए कहा ठीक है फिर चलो साथ में होटल चलते हैं लेंग शाउटिंग हर सेकंड काव्या के साथ बिताना चाहता था जो कभी कभी थोड़ा परेशान करता था काव्या की अनुमति पाकर लेंग शोटिंग खुशी से झूम उठी नाश्ते के बाद काव्या और लेंग शोटिंग साथ में निकले जिस मिनट काव्या जिनलिन होटल पहुंची उसने डोन लिक्सन के शाही हर्म नाटक का एक अंश पढ़ा काव्या एक पेशेवर नहीं थी लेकिन वह अच्छे और बुरे लोगों के बीच अंतर करने में सक्षम थी उसे स्वीकार करना पड़ा कि यह एक उत्कृष्ट उपन्यास था उसका अंश पढ़ने के बाद काव्या उपन्यास का पहला अध्याय पढ़ने चली गई यह नवीनता से भरा था और काव्या ने सोचा कि यह लोकप्रिय हो सकता है मुझे लगता है कि यह वास्तव में अच्छा है यह निश्चित रूप से लोकप्रिय होगा काव्या ने तारीफ की डुआन लिक्सन उत्साहित थी कि काव्या ने उसके उपन्यास को मंजूरी दे दी हालांकि मुझे लगता है कि अगर निर्देशक भी इसे पसंद करते हैं तो यह बेहतर होगा निर्देशक की कहानी में रुचि होने पर ही वह शूटिंग में लीन होगा हालांकि काव्या निवेशक थी लेकिन वह तानाशाह नहीं थी काव्या ने जो कहा उसे सुनकर डुआन लिक्सन को फिर से घबराहट महसूस हुई लेकिन वह काव्या से अधिक सहमत नहीं हो सकी क्योंकि आमतौर पर जब पटकथा की बात आती थी तो निर्देशक निर्णय लेने वाला होता था नए साल का त्यौहार कोने के आसपास है आप घर वापस जा सकते हैं और त्यौहार को पहले अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं और हम त्यौहार के बाद और चर्चा करेंगे मैं आपको सूचित करूंगा आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है काव्या ने कहा बेशक मुझे तुम पर भरोसा है मिस गो हालाकि डुआन लिक्सिन चिंतित थी उसने काव्या पर विश्वास करना चुना काव्या और लेंग शाउटिंग फिर होटल से चले गए और काव्या ने तुरंत लूजान को बुलाया लूजान एक कैफे में था एक सोफे के खिलाफ झुककर उदासी से आहें भर रहा था उन्होंने अभी अभी दूसरे निर्देशक के साथ बातचीत पूरी की लेकिन उन्हें वह परिणाम नहीं मिला जो वह चाहते थे निर्देशक चाहते थे कि लू जान उनके सहनिर्देशक हो लेकिन लू जान का नाम स्क्रीन पर नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि वह उस शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज़ नहीं करना चाहते थे जिसने लू जान को मनोरंजन उद्योग से बाहर कर दिया था इसके अलावा लू जान को बिना बोनस के केवल मूल वेतन मिलेगा जो कि पूर्ण शोषण था हालांकि अगर लू जान असहमत होता तो उसे दूसरी उपयुक्त नौकरी नहीं मिलती अचानक उसका फोन बजा और वह एक अजीब नंबर था नमस्ते श्री लू यह काव्या है हम विमान में मिले मुझे खेद है कि मुझे आपकी अनुमति के बिना आपका फोन नंबर मिला लेकिन मैं आपसे टीवी शो और फिल्मों के संबंध में हमारे संभावित सहयोग के बारे में बात करना चाहता था क्या आपके लिए मुझसे मिलना सुविधाजनक है काव्या ने विनम्रता से पूछा लू जान काव्या का नाम नहीं जानता था लेकिन उसने उसकी आवाज पहचान ली वह बहुत हैरान था कि वह उसे बुलाएगी काव्या ने शुरुआत में माफी मांगी थी क्योंकि उसने चुपके से उसका फोन नंबर प्राप्त कर लिया था और लू झान ने उसे माफ कर दिया था और जाहिर तौर पर वह जानती थी कि वह एक निर्देशक था क्योंकि वह उससे टीवी शो और फिल्मों के बारे में बात करना चाहती थी काव्या के निमंत्रण के अनुसार लू जान को इस बात का अंदाजा नहीं था कि काव्या उसे नौकरी पर रखने जा रही है उसने सोचा कि काव्या शायद एक छात्र है जो फिल्म में पढ़ाई कर रही है और वह उससे इस बारे में कुछ सीखना चाहती है जरूर मैं अब आजाद हूं लू झान ने उनका स्वागत किया काव्या ने आखिर अपनी जान बचाई थी महान अभी आप कहा है मैं तुम्हारे पास आऊंगा काव्या ने पूछा लू ने जवाब दिया मैं कैलिफोर्निया कैफे में टेबल नंबर आठ पर हूं आधे घंटे बाद काव्या और लेंग शोटिंग ने उसे कैफे में पाया काव्या और लेंग शोटिंग को देखकर लू जान तुरंत उनका अभिवादन करने के लिए खड़ा हो गया आपसे मिलकर अच्छा लगा आप आराम से तशरीफ रखिए आप क्या पीना चाहते हो लू झान ने पूछा दो कप मोचा प्लीज काव्या ने मेन्यू पढ़े बिना सीधे कहा जरूर कृपया एक सेकंड प्रतीक्षा करें वेटर ने कहा और चला गया क्या मैं पूछ सकता हूँ आप टीवी शो और फिल्मों के बारे में बात क्यों करना चाहते हैं लू झान ने पूछा विषय के बारे में बोलते हुए लू झान ने तुरंत एक गंभीर अभिव्यक्ति पहनी जिससे पता चला कि वह वास्तव में एक पेशेवर थे काव्या ने स्पष्ट रूप से कहा मैंने निर्देशक लू के बारे में समाचार पढ़ा और सुना है कि आपको मनोरंजन उद्योग से अब तक एक शक्तिशाली शख्सियत ने बाहर कर दिया है और लू जान के नाखुश होने की चिंता नहीं थी इसके बजाय लू जान पहले से ही इसका अभ्यस्त था यह सच है काव्या ने मुस्कुराते हुए पूछा फिर क्या तुम वापस आना चाहते हो क्या आप फिर से प्रसिद्ध होना चाहते हैं या दो साल पहले की तुलना में अधिक प्रसिद्ध है यह सुनकर लू जान ने काव्या को चकित चेहरे से देखा वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि काव्या किस बारे में बात कर रही थी लेकिन वह नहीं जानता था कि उसने इसे क्यों उठाया क्या वह उसकी मदद कर सकती है फिर भी वह क्यों करेगी कोई बात नहीं लूजान ने फिर भी काव्या के सवाल का ईमानदारी से जवाब दिया बेशक मैं करता हूँ उन्होंने अपने जीवन के आधे से अधिक समय के लिए मनोरंजन उद्योग में काम किया था और यह पहले से ही उनके जीवन का हिस्सा था इसलिए उनके काम की गुणवत्ता के लिए उनके पास उच्च मानक थे अनजाने में उसके कारण उसने एक शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज कर दिया था और अब तक बाहर कर दिया गया था अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो आप मेरे साथ सहयोग कर सकते हैं काव्या ने कहा आप लू जान हैरान होने के साथ साथ जिज्ञासु भी था काव्या ने आगे कहा मुझे पता है कि मैं युवा हूं और आपको मेरी क्षमता पर संदेह हो सकता है क्योंकि कई लोगों ने एक ही काम किया है लेकिन अंत में उन सभी ने अपना मन बदल लिया आप कभी भी किसी व्यक्ति को उसके रूप से नहीं आंक सकते मैं एक व्यवसायी महिला हूँ और मैं आपके निर्देशन के तरीके और आपकी प्रतिभा की सराहना करती हूँ मैं हमेशा से मनोरंजन उद्योग में शामिल होना चाहता था और मुझे लगता है कि मेरी कंपनी में जनरल डायरेक्टर बनने के लिए आप एक बढ़िया विकल्प है आप क्या सोचते हैं लू जॉन उसके बाद चौंक गई क्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ने वाली है यह लड़की लू जान को वास्तव में काव्या की कम उम्र के कारण उसकी क्षमता पर संदेह था हालांकि जैसा कि काव्या ने कहा था किसी व्यक्ति को उसके रूप से आंकना अनुचित था वह मनोरंजन उद्योग में कई तरह के लोगों से मिला था और वह पहली नज़र में किसी व्यक्ति के बारे में सटीक राय बनाने में सक्षम था काव्या को उसकी परिपक्वता की हवा के साथ इतना गंभीर और ईमानदार देखकर लू जॉन का मानना था कि वह झूठ नहीं बोल रही थी और उसके पास उसे धोखा देने का कोई कारण नहीं था हालांकि लू जॉन को इस बात की चिंता थी कि काव्या उसकी वजह से प्रभावित होगी मिस गुक मैंने एक शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज़ कर दिया है इसलिए उसने मुझे बाहर कर दिया यहां तक कि अगर मैं एक महान टीवी शो या एक फ़िल्म पूरी करता हूं तो यह सेंसरिंग पास नहीं करेगा लू झान ने कहा हालांकि अब उसे मदद की सख्त ज़रूरत थी लेकिन वह किसी और के करियर को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था हो जाएगा काव्या के कुछ कहने से पहले ही लेंग शाउटिंग ने आत्मविश्वास से कहा उसे टैन परिवार की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी लू झान हैरान था क्या वे अधिक शक्तिशाली हैं लू जान गूंगा नहीं था और उसके कहने के बाद उसे लगा कि लेंग शाउटिंग सरल नहीं थी इसके अलावा लेंग शाउटिंग में बड़पन और शक्ति का आभास था निदेशक लू कृपया इस बारे में चिंता न करें जब से मैं इस दौरान आपके पास आई हूं, मुझे परवाह नहीं है कि किसने आपको बाहर किया है काव्या ने भी आत्मविश्वास के साथ कहा ऐसा लग रहा था कि वे वास्तव में लू जान की मदद कर सकते हैं क्या आप जानते हैं कि मुझे किसने बंद कर दिया है लू झान ने पूछा लू जान को वास्तव में पता नहीं था कि शक्तिशाली व्यक्ति कौन था काव्या हल्के से हंसी और ठंडेपन से बोली द टैंग फैमिली लू झान के लिए यह कोई आश्चर्यजनक जवाब नहीं था उसने फिर से अपना मुंह खोलने से पहले कुछ देर सोचा मिस गो आपकी स्वीकृति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर भी चूंकि आप मुझे पहले से ही जानते हैं इसलिए मैं मानता हूं कि आप मेरे काम करने के तरीके से वाकिफ होंगे मैं प्रत्येक शो में अभिनेताओं के साथ बहुत सख्त हूँ खासकर मुख्य अभिनेताओं के साथ मेरे पास प्रसिद्ध लोगों के लिए कोई अनुरोध नहीं है लेकिन उन्हें अभिनय में निपुण होना चाहिए अन्यथा उन्हें सिर्फ इसलिए बाहर नहीं कर दिया जाता क्योंकि उन्होंने बिना किसी अभिनय कौशल वाली अभिनेत्री का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था लू जान ने बाद में कहा जहां तक पटकथा की बात है मुझे भी इसमें शामिल होना चाहिए मैं केवल उन्हीं स्क्रिप्ट का उपयोग करूंगा जिनमें मेरी दिलचस्पी है ताकि मैं कहानी की शूटिंग में लीन हो सकूं बेशक मुझे पता है कि दर्शकों की जरूरत को पूरा करना महत्वपूर्ण है और मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगा लेकिन मैं यह वादा नहीं कर सकता कि मेरा हर काम लोकप्रिय होगा इसके बजाय मैं केवल यह वादा कर सकता हूँ कि मैं हर बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा लू जान ने सोचा कि भविष्य में एक साथ काम करते समय वे एक दूसरे से असहमत होने की स्थिति में अपने पत्ते टेबल पर रखना आवश्यक था यह सुनकर काव्या मुस्कुराई मैं आपसे अधिक सहमत नहीं हो सकती और मैं गुणवत्ता को भी सबसे अधिक महत्व देती हूँ लू जान यह सुनकर उत्साहित हो गई ठीक है मुझे लगता है कि हम एक महान सहयोग कर सकते हैं उन्होंने समान मूल्यों और समान लक्ष्य को साझा किया जो काफी रोमांचक था काव्या ने कहा मैं इस समय अपनी कंपनी के लिए एक उपयुक्त कार्यालय भवन की तलाश कर रही हूँ और जब तक कार्यालय भवन तैयार नहीं हो जाता तब तक मैं एक नई कंपनी पंजीकृत नहीं करूंगी इसलिए हम नए साल के त्योहार के बाद काम करना शुरू कर देंगे जरूर लू झान ने उत्तर दिया वह थोड़ा असहज था कि कंपनी अभी तक स्थापित नहीं हुई थी लेकिन अब वह केवल इंतजार कर सकता था अभिनेताओं और पटकथाओं के लिए जब तक आप निर्देशक हैं तब तक आप इसका पूरा नियंत्रण रख सकते हैं काव्या लूजॉन को अपने दम पर सभी निर्णय लेने की अनुमति देती लेकिन उसकी कंपनी में एक से अधिक निदेशक होंगे मुझे पहले से ही एक शाही हर्म नाटक के बारे में एक दिलचस्प उपन्यास मिला है और आप पहले इसका उद्धरण पढ़ सकते हैं यदि आप भी इसमें रुचि रखते हैं तो हम अपनी कंपनी स्थापित होने के बाद सबसे पहले कहानी को शूट कर सकते हैं यदि आप रुचि नहीं रखते हैं तो मैं इसे शूट करने के लिए किसी अन्य निर्देशक को रख सकता हूँ और आप अपने स्वयं के शो के लिए तैयारी कर सकते हैं काव्या ने कहा जरूर मैं करूंगा, लू झान ने कहा फिर काव्या ने अर्क के साथ कागज़ के टुकड़े निकाले और लू झान को दे दिए लू जान ने कहानी पढ़ी और उसकी आंखें चमक उठी जाहिर है उसे भी यह पसंद आया इसे पढ़ने के बाद लू जान ने कहानी की स्पष्ट रूप से सराहना की मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन कहानी है यह पिछले वाले से बहुत अलग है और मुझे कहानी के विवरण में दिलचस्पी है लू जान उद्धरण से संतुष्ट था लेकिन उसने पूरा उपन्यास नहीं पढ़ा था इसलिए उसे यकीन नहीं था कि इसका विवरण भी आकर्षक था या नहीं निर्देशक लू फिर मिलते हैं काव्या लू जॉन की ओर हाथ बढ़ाकर खड़ी हो गई काव्या से हाथ मिलाते हुए लू जान तुरंत उठ खड़ा हुआ आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बॉस उसके बाद काव्या और लेंग शोटिंग साथ में लंच करने गए आप अगली बार कहाँ जाने जाते हैं लेंग शोटिंग ने काव्या से पूछा कि वे रेस्तरा से कब निकले काव्या ने कुछ देर सोचा और कहा नए साल का त्यौहार आ रहा है चलो शॉपिंग मॉल चलते हैं मैं अपने परिवार के लिए उपहार खरीदना चाहता हूँ कोई बात नहीं लेंग शाउटिंग ने कहा पार्किंग स्थल पर जाते समय उसने उसका हाथ पकड़ रखा था रास्ते में लेंग शाउटिंग ने काव्या से पूछा तुम्हारी नई मनोरंजन कंपनी का नाम क्या है खैर मैं इसे फेंगुआ एंटरटेनमेंट कहूंगी काव्या ने कहा कर्मचारियों के बारे में क्या क्या आपको लोगों को नियुक्त करने में मेरी मदद की जरूरत है लेंग शोटिंग ने पूछा यह इतना बेहतर होगा हालांकि ऐसा लगता है कि आपने मेरे लिए सब कुछ किया है काव्या को अचानक एहसास हुआ कि लेंग शोटिंग ने उसकी बहुत मदद की है लेंग शाउटिंग ने मजाक में कहा आप बिग बॉस हैं आपको केवल पैसे गिनने की जरूरत है हां हां, तुम सही हो काव्या मान गई लेंग शोटिंग काव्या को राजधानी के सबसे अच्छे शॉपिंग मॉल में ले गया जानी फचानी जगहों को देखकर काव्या के मन में फिर से मिश्रित भावनाएं थी लेकिन लेंग शोटिंग की चिंता न करने के लिए उसने अपने क्रोध पर अंकुश लगाने की कोशिश की वह लेंग शोटिंग के लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए सबसे पहले पुरुष कपड़ों के क्षेत्र में गई जिस मिनट लेंग शोटिंग और काव्या अंदर गए उन्होंने अपने आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित किया विशेष रूप से बहुत से लोग लेंग शाउटिंग के असाधारण रूप से सुंदर दिखने से हैरान थे स्वागत एक सेल्स ने उनके पास जाकर जोश के साथ उनका अभिवादन किया आपसे मिलकर अच्छा लगा सर और मिस आप अपनी पसंद के किसी भी टुकड़े को आजमा सकते हैं धन्यवाद काव्या ने कहा वो इधर उधर चली उसके बाद लेंग एक नजर से काव्या ने एक मोटा सनी का कोट चुना और उसे लेंग शोटिंग को दे दिया इसे अजमाएं लेंग शोटिंग हैरान था काव्या ने फिर समझाया नए साल का त्यौहार आ रहा है और मैं अपने प्रेमी को नए साल का उपहार खरीदना चाहती हूँ यह सुनकर लेंग शोटिंग के होश उड़ गए यह उसके लिए काव्या का उपहार था और वह निश्चित रूप से इसे अस्वीकार नहीं करेगा इसलिए उसने सीधे अपने कोट को नए के साथ बदल दिया लेंग शाउटिंग हमेशा काले कपड़े पहनते थे और उनमें ठंडक का माहौल था जिससे लोग उनसे दूर रहना चाहते थे लेकिन अब यह लिनन कोट उन्हें अनुप्राणित कर गया काव्या की आंखें चमक उठीं और उसने उसकी तारीफ की तुमने जो भी पहना है तुम बहुत अच्छे लगते हो मुझे खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया लेंग शोटिंग ने काव्या को प्यार से देखा वह अपने कपड़ों या पहनावे की कम परवाह नहीं कर सकता था उन्हें केवल काव्या की राय की परवाह थी ठीक है हम निश्चित रूप से यह कोट खरीद रहे हैं काव्या बहुत संतुष्ट थी मुझे लगता है कि हमें उन्हीं स्वेटर एक जोड़ी पैंट और जूते भी चाहिए थोड़ी देर के लिए खरीदारी करने के बाद लेंग शाउटिंग ने पूरी तरह से नई पोशाक पहनी हुई थी जिसने उसे बहुत उत्साहित किया बहुत अच्छा चलो चलते हैं और बिल का भुगतान करते हैं काव्या ने कीमत पूछने की जहमत नहीं उठाई और हिसाब चुकता करने के लिए अपना कार्ड निकाल लिया पोशाक की कीमत लगभग एक लाख युआन है लिंग शाउटिंग ने काव्या से पहले बिल का भुगतान नहीं किया क्योंकि यह काव्या की ओर से उसे उपहार था हालांकि उनके आसपास के कुछ लोगों का विपरीत विचार था काव्या के पास खड़े दो पुरुषों के साथ दो महिलाएं खरीदारी कर रही थी और दोनों महिलाओं ने तेजाब से कहा जी क्या असाधारण सुंदर आदमी है यह पता चला कि वह सिर्फ एक सुंदर लड़का है बिल्कुल यह सोचने के लिए कि मुझे उस लड़की से अभी अभी ईर्ष्या हुई थी लेंग शाउटिंग ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया लेकिन काव्या नाराज थी उसने दोनों औरतों की ओर और रुखाई से देखा और कहा तुम हमारे रिश्ते को बिल्कुल नहीं जानती हो तो तुमने मेरे प्रेमी को एक सुंदर लड़का क्यों कहा क्या मेरे साथ अपने प्रेमी के लिए उपहार खरीदने में कुछ गलत है या क्या आपको लगता है कि यह अच्छा है कि आप अपने आदमियों से एक महंगा बैग खरीदने की भीख मांगे काव्या ने सिर्फ उन दो महिलाओं को दो आदमियों के सामने प्यारा खेलता सुना था ताकि पुरुष उनके लिए डिजाइनर बैग और कपड़े खरीद ले यह स्पष्ट था कि दोनों महिलाएं केवल भौतिकवादी लड़कियां थी तुम काव्या की बात सही निकली और दोनों औरतें शर्मिंदा हो गई हालांकि उनके साथ के दो लोगों की मदद करने का कोई इरादा नहीं था वे नाटक देखने के लिए एक तरफ खड़े हो गए क्योंकि वे जानते थे कि दोनों महिलाओं को केवल अपने पैसों से प्यार है बेशक दो आदमी उनके साथ भी खेल रहे थे वे उनके लिए सीमित राशि देने को तैयार थे हालांकि काव्या ने बात पर प्रहार किया लेकिन वे इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे सफेद पंख वाला कोट पहने हुए महिला ने काव्या की आलोचना की आप किस बारे में बात कर रहे हैं मुझे हॉक्सवान से प्यार है उसके पैसे से नहीं यह कहते हुए महिला ने पुरुष की बाह पकड़ ली जैसे वे वास्तव में प्यार में थे उसने यह नहीं देखा कि उस आदमी का चेहरा तिरस्कार से विकृत हो गया था लेकिन काव्या ने देखा महिला वास्तव में मूर्ख थी बिल्कुल मैं भी युवा से प्यार करता हूँ उसके पैसे से नहीं दूसरी महिला जिसने काले रंग का फेदर कोट पहना हुआ था गूंज उठी सच में काव्या ने व्यंग किया फिर आप अपने बिलों का भुगतान स्वयं क्यों नहीं करते तुम दोनों औरतें पागल थी लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कैसे पलटवार किया जाए वास्तव में वे केवल दो आदमियों के धन से प्रेम करते थे अन्यथा उनके उत्कृष्ट दिखावे के साथ वे दो बल्कि सादे पुरुषों के साथ समाप्त नहीं होते क्या आपने अचानक अपना आत्मविश्वास क्यों खो दिया काव्या ने उत्तेजित होते हुए पूछा इससे आपका कोई मतलब नहीं काले पंख वाले कोट वाली महिला गुस्से में भड़क उठी ठीक है मैं इसमें से सहमत हूँ सच्चा प्यार भौतिक चीजों की परवाह नहीं करता है हॉक्सवान नाम के व्यक्ति ने कहा ठीक है मधु वह बगल में बैठी महिला की ओर मुड़ा महिला के हाव भाव तुरंत बदल गए लेकिन वह इससे इनकार नहीं कर सकी बेबी क्या आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं ये हुआ नाम के उस पुरुष ने अपने साथ की स्त्री से भी पूछा हाँ महिला ने अनिच्छा से उत्तर दिया अच्छे से मुझे लगता है कि हमें महंगे कपड़े बैग और मेकअप खरीदने की जरूरत नहीं है न ही महंगे रेस्तरा और क्लबों में जाने की आखिर सच्चे प्यार की कोई कीमत नहीं होती लो ने कहा वास्तव में उनके पास पहले से ही महिलाओं को अपनी तरफ से बदलने का विचार था और उन्होंने उन्हें कुछ सामान खरीदने और आज रात उन्हें छोदने की योजना बनाई लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे उन्हें अभी सीधे दम कर सकते हैं और बहुत कुछ बचा सकते हैं से पैसा हुआ महिला ने कहा और प्यारा खेला वह स्पष्ट रूप से असंतुष्ट थी लेकिन इसे सीधे कहने की हिम्मत नहीं हुई क्या है हसीना लो युवा ने न किया कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है दोनों महिलाएं गूंगी नहीं थी और उन्हें पता था कि पुरुष उन्हें छोड़ने जा रहे हैं यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने अमीर दूसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारियों के साथ खिलवाड़ किया था और वे जानते थे कि उनका रिश्ता लंबे समय तक नहीं चलेगा यही कारण था कि उन्होंने अपने लिए बिलों का भुगतान करने के हर मौके को जब्त कर लिया हालांकि एक बार जब पुरुष महिलाओं को छोड़ना चाहते थे तो महिलाएं भीख मांगने पर भी उन्हें या उनके बटुए को रखने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी काव्या ने अपना गुस्सा उन पर निकाल दिया था और बहस करने में रुचि खो दी थी हालांकि उसके जाने से पहले काव्या अभी भी जानबूझ दो महिलाओं के सामने दिखावा करती थी उसने अपना बाया हाथ ऊपर उठाया और रक्तलाल जेड़ कंगन हवा में खुला था क्या तुमने नहीं कहा कि मेरा प्रेमी सिर्फ एक सुंदर लगा है इस रक्तलाल जेड़ कंगन पर एक नजर डालें एक छियालीस ग्राम रक्तलाल जेड कंगन नीलामी में 48 मिलियन युवा की कीमत पर बेचा गया था जबकि यह उससे भारी वजन का है इसकी कीमत कम से कम 50 मिलियन युवा है क्या अब भी आपको लगता है कि मेरा बॉयफ्रेंड सिर्फ एक सुंदर लड़का है और मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे अब तक कई बेशकीमती गहने भेजे हैं उन सभी का मूल्य कम से कम सौ मिलियन युवा है मुझे नहीं लगता कि आप मुझे आंकने के योग्य हैं उसके बाद काव्या काव्यालेंग शोटिंग के साथ चली गई और बाकी लोग अभी भी सदमे में थे कम से कम सौ मिलियन युवा उसका बॉयफ्रेंड सुपर सुपर रिच होना चाहिए कई लोगों का एक ही विचार था वहीं कुछ ने इसकी सत्यता पर संदेह जताया हालांकि कोई बात नहीं दोनों महिलाओं को अब काव्या से काफी जलन हो रही थी वे चाहते थे कि उनका एक ऐसा सुपर सुपर रिच और साथ ही हैंडसम बॉयफ्रेंड हो मुझे लगता है कि वह सिर्फ एक भौतिकवादी लड़की भी है सफेद पंख वाले कोट में महिला ने कहा मैं सहमत हूं काले पंख वाले कोट में महिला गूंज उठी जब वे शॉपिंग मॉल से बाहर निकले तो लेंग शाउटिंग ने काव्या से कहा मुझे वास्तव में परवाह नहीं है मैं करता हूं काव्या ने कहा वह अपने प्रेमी के प्रति दूसरों के रवैये की परवाह करती थी बाद में काव्या और लेंग शोटिंग इस बार जियांग जू की खरीदारी के लिए एक अन्य पुरुष कपड़ों की दुकान पर गए लेंग शोटिंग ने बिना देर किए काव्या के सामने बिल का भुगतान कर दिया काव्या के प्रेमी के रूप में उसने उसके परिवार के प्रति दया दिखाने की कोशिश की हालांकि उसके परिवार को यह नहीं पता होगा कि उसने बिल का भुगतान किया है काव्या जानती थी जो काफी था काव्या ने उसे नहीं रोका क्योंकि वह जानती थी कि वह बस दयालु हो रहा था ठीक है मैं तुम्हारे परिवार के लिए बाद में भी कुछ उपहार खरीदूंगा हालांकि वे नहीं जानेंगे कि मैंने बिल का भुगतान किया है आप जानते हैं जो काफी है लेंग शाउटिंग ने अपने परिवार को उपहार भेजे तो काव्या ने वही करने की योजना बनाई कृपया मेरे दादाजी को एक उपहार भेजें। लेंग शाउटिंग ने अस्वीकार नहीं किया लेकिन उन्होंने अपने परिवार की सीमा को सीमित कर दिया जरूर काव्या ने जवाब दिया उसने आगे नहीं पूछा क्योंकि वह जानती थी कि लेंग शोटिंग की लेंग परिवार के अन्य सदस्यों के साथ नहीं बनती थी काव्या ने फिर कुछ देर के लिए उपहार के बारे में सोचा कि वह लेंग शोटिंग के दादाजी को भेजने वाली थी उसने अपनी टेलीपैथिक आंखों की जगह में प्राचीन वस्तुओं के बारे में सोचा ओह क्या आपके दादाजी को प्राचीन वस्तुएं इकट्ठा करना पसंद है काव्या ने लेंग शोटिंग से पूछा हाँ लेंग शोटिंग ने उत्तर दिया क्या वह प्राचीन वस्तुओं चिरों या सुलेख को पसंद करता है काव्या ने फिर पूछा सुलेख और पेंटिंग लेंग शाउटिंग ने उत्तर दिया काव्या ने तुरंत लो शेन फू भेजने का फैसला किया झाओ मैंगू द्वारा लिखित सुलेख का एक टुकड़ा अगले घंटों के दौरान वे गुमान गुकविंग जियांग जिन्यू और काव्या के लिए उपहार खरीदने गए लेंग शोटिंग ने सभी बिलों का भुगतान किया और बैग ले गए काव्या शॉपिंग बैग खुद ले जाने को तैयार थी लेकिन लेंग शाउटिंग ने उसकी मदद करने पर जोर दिया ऐसा कहा जाता था कि पुरुषों को महिलाओं के साथ खरीदारी करने से नफरत है क्योंकि यह बहुत उबाऊ होता है हालांकि लिंग शाउटिंग बिल्कुल भी ऊब महसूस नहीं करते थे और वे तब तक नहीं गए जब तक कि काव्या ने एक से अधिक की खरीदारी नहीं कर ली घंटा घर के रास्ते में वे कुछ खाने की सामग्री खरीदने गए और घर पर खाना बनाने की योजना बनाई घर पहुंचते पहुंचते शाम के साढ़े चार बज चुके थे इसलिए उन्होंने खाना बनाने से पहले आराम करने का फैसला किया ब्रेक के दौरान काव्या एक बेडरूम में गई और लोअर शेन फू को अपनी टेलीपैथिक आंखों की जगह से बाहर निकाला उसने सुलेख लेंग शोटिंग को सौंप दिया मैंने इसे एंटीक स्ट्रीट से खरीदा है और मुझे लगता है कि यह आपके दादाजी के लिए नए साल का एक शानदार उपहार है यह दादाजी के लिए एक महान नए साल का तोहफा है लेंग शाउटिंग ने काव्या के वाक्य को सही करते हुए कहा क्या काव्या को समझ नहीं आया कि लेंग शोटिंग ने अपना वाक्य क्यों दोहराया यह दादाजी है आपके दादाजी नहीं लेंग शाउटिंग ने समझाया दूसरे शब्दों में उसे उम्मीद थी कि वह अपने दादा को भी दादा कहेगी काव्या को एहसास हुआ कि लेंग शोटिंग के दिमाग में अब क्या चल रहा है लेकिन वह सच कह रही थी आखिर उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी बहरहाल काव्या का मानना था कि लेंग शोटिंग उसका मिस्टर राइट था और अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसके दादाजी भविष्य में एक दिन उसके होंगे इसलिए उसने अस्वीकार नहीं किया ठीक है दादा लेंग शोटिंग ने एक संतुष्ट मुस्कान पहनी थी और उसकी खूबसूरत मुस्कान ने काव्या के दिल की धड़कने बढ़ा दी लेंग शाउटिंग को प्राचीन चित्रों और सुलेख के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी लेकिन उन्होंने काव्या की पसंद पर भरोसा किया इसके बाद दोनों सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे काव्या का मासिक धर्म चल रहा था इसलिए लेंग शोटिंग ने उसे बार बार चूमने या छूने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह चालू हो गया था लेकिन उसके साथ यौन संबंध नहीं बना सका जल्द ही लेंग शाउटिंग को दुकानों के साथ साथ कार्यालय भवनों के लिए लिखे गए कई विकल्पों के साथ एक ईमेल प्राप्त हुआ काव्या ने तुरंत ईमेल पढ़ा दुकानों के लिए पांच विकल्प थे और उन सभी के पास बढ़िया स्थान थे इसका किराया इसके स्थान के अनुसार अलग अलग होता है काव्या को पांचों में से तीसरी पसंद आई इसके अलावा उसके पास कार्यालय भवनों के लिए तीन विकल्प थे उनमें से दो किराए पर उपलब्ध थे और एक बिक्री के लिए तैयार था हालांकि जो बिक्री के लिए था वह एक आधी अधूरी 18 मंजिला इमारत थी जिसका आकार 550 वर्ग मीटर था यह पूरी तरह से खाली था यहां तक कि कोई दरवाजा या खिड़की भी नहीं थी उस इमारत के पिछले मालिक को कर चोरी का दोषी पाया गया था और वह सारा पैसा लेकर भाग गया था इसलिए सरकार ने अंत में उसे जब्त कर लिया राजधानी में आवास की कीमत बहुत अधिक थी और आधे अधूरे कार्यालय भवन की लागत कम से कम करोड़ों युवान थी उनके लिए जो अमीर थे उनके पास पहले से ही अपना कार्यालय भवन था इसलिए उनके लिए दूसरा भवन खरीदना आवश्यक नहीं था और जो इसे खरीदना चाहते थे वे इसे खरीद नहीं पाए इसलिए वह इमारत बिना खरीदार के कम से कम आधे साल तक बाजार में रही हालांकि काव्या ने इसे खरीदने का फैसला किया यह कैपिटल यूनिवर्सिटी और स्टोर से ज्यादा दूर नहीं था इसलिए उसके लिए अपने विश्वविद्यालय और अपनी कंपनी के बीच आना जाना सुविधाजनक होगा इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह टैंक परिवार की कंपनी से भी केवल दो किलोमीटर की दूरी पर था टैंक परिवार के बारे में सोचते हुए उसकी आंखों में शत्रुता का स्पर्श झलक रहा था मुझे लगता है कि तीसरा स्टोर और यह आधा अधूरा कार्यालय भवन बहुत अच्छा है काव्या ने लेंग शाउटिंग से कहा हालांकि सर्वे में दिखाया गया था कि इसकी गुणवत्ता को लेकर कोई समस्या नहीं है लेकिन काव्या ने सोचा कि बेहतर यही होगा कि वह खुद इसकी जांच करने जाए आखिर उस कार्यालय भवन की कीमत करोड़ों युआन थी कोई बात नहीं लेंग शाउटिंग ने कहा उन्होंने तुरंत एक अधीनस्थ को बुलाया और उन्हें जमा राशि का भुगतान करने के लिए कहा बिना ज्यादा परेशानी के काव्या को वह स्टोर और ऑफिस बिल्डिंग मिल गई जो उसे चाहिए थी इसलिए वह अच्छे मूड में थी सीमिंग और क्यू युक्सिन दोनों ने वास्तव में सोचा था कि दूसरा एक महान साथी था इसलिए वे आज दोपहर एक साथ भोजन करने और एक फिल्म देखने गए वे अभी अभी मिले थे और एक दूसरे को अच्छी तरह जानने में समय लगा उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि एक दूसरे को थोड़ा बेहतर जानने के बाद भी वे एक दूसरे को पसंद करेंगे या नहीं वे किशोर नहीं थे जो अब रिश्तों को एक खेल की तरह मानते थे और उनका उद्देश्य शादी था इसलिए उन दोनों ने इसे गंभीरता से लिया चाहे अंतिम परिणाम कुछ भी हो अगली सुबह काव्या और लेंग शोटिंग नाश्ते के बाद स्टोर और ऑफिस की इमारत देखने गए काव्या अपनी पसंद से संतुष्ट थी और वे कार्यालय की इमारत खरीदने और बाद में स्टोर किराए पर लेने गए लेंग शाउटिंग के शक्तिशाली नेटवर्क के साथ काव्या ने कार्यालय भवन पर केवल 200 मिलियन युवा खर्च किए जो बाजार मूल्य से बहुत कम था वास्तव में काव्या सरकार से जमीन का एक टुकड़ा भी प्राप्त कर सकती थी और अधिक पैसे बचाने के लिए खुद एक कार्यालय भवन का निर्माण कर सकती थी लेकिन जमीन का एक अच्छा टुकड़ा मिलना कठिन था और कार्यालय भवन बनाने में काफी समय लगता था ऑफिस बिल्डिंग और स्टोर मिलने के बाद काव्या एक नई कंपनी रजिस्टर कराने गई उसका नाम फेंगुआ एंटरटेनमेंट था लेंग शोटिंग की मदद से काव्या की समस्याएं आसानी से दिनों के भीतर हल हो गई मैं तुम्हें अपने प्रेमी के रूप में पाकर बहुत भाग्यशाली हूँ आपने मेरी बहुत मदद की है काव्या ने कहा काव्या द्वारा तारीफ पाकर लेंग शोटिंग खुश थी मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं क्या आपको नहीं लगता कि यह परेशान है काव्या ने पूछा दरअसल उसने सोचा था कि लेंग शोटिंग ने उसकी बहुत मदद की थी और वह थोड़ा दोषी महसूस कर रही थी साथ ही उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसे उसकी मदद की सख्त जरूरत थी मैं इसका आनंद लेता हूं लेंग शाउटिंग ने ईमानदारी से कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना परेशान करने वाला था जब तक यह काव्या की मदद कर सकता था तब तक उन्होंने इसका आनंद लिया काव्या को गहरा स्पर्श हुआ और उसने महसूस किया कि वह लेंग शाउटिंग से मिलने के लिए धन्य है जो उसका बहुत ख्याल रखता था और उसकी परवाह करता था लगभग बारह बजे हैं आपको लंच में क्या चाहिए काव्या ने पूछा आप पर निर्भर है लेंग शाउटिंग ने कहा काव्या ने इधर उधर देखा कि वे क्या चुन सकते हैं एक रेस्तरा है चलो चलते हैं और कोशिश करते हैं काव्या ने कहा जरूर लेंग शाउटिंग ने उत्तर दिया और फिर वे चले गए रेस्टोरेंट चूंकि काव्या ने पहले ही स्टोर और कार्यालय की इमारत को व्यवस्थित कर लिया था इसलिए उसका अगला कदम उन्हें सजाने और संवारने का था शेंग्आ रियल एस्टेट के तहत एक डेकोरेशन कंपनी थी इसलिए काव्या ने सीधे इन गुआंगियों को फ़ोन किया और उसे बताया कि उसने एक ऑफिस बिल्डिंग के साथ साथ एक स्टोर भी हासिल कर लिया है नए साल के त्यौहार के बाद एक ग्वांगियों लोगों को उन्हें सजाने के लिए भेजेगा काव्या की दक्षता से एक गुआंगियों को बहुत आश्चर्य हुआ सौभाग्य से एक गुआंगियों ने पहले कई कर्मचारियों को काम पर रखा था इसलिए वह राजधानी में सजावट के प्रभारी होने के लिए लोगों के एक समूह को भेजने में सक्षम था हालांकि सजाने से पहले उन्हें इमारत और स्टोर के आकार को मापना पड़ा इस प्रकार एक ग्वांगियो कल एक डिज़ाइनर के साथ राजधानी के लिए उड़ान भरेगा लेंग शाउटिंग काव्या की मदद करना चाहता था लेकिन काव्या इसे खुद संभाल सकती थी इसलिए वह चुप रहा भोजन के बाद काव्या ने लेंग शोटिंग से कहा शोटिंग अगर आपके पास कोई काम है तो आप जैसे चाहे निकल सकते हैं आपको पूरे दिन मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है लेंग शोटिंग परेशान था और आहत महसूस कर रहा था क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपके साथ रहूं काव्या ने तुरंत समझाया बेशक मैं करती हूं। यदि आपके पास कुछ महत्वपूर्ण काम है तो मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता यह सुनकर लेंग शोटिंग को आराम मिला चिंता मत करो अगर मुझे वास्तव में कोई व्यवसाय करना है तो मैं जाऊंगा लेकिन अब मैं मुक्त हूं महान फिर बाद में एंटीक स्ट्रीट चलते हैं काव्या ने कहा राजधानी की प्राचीन सड़क सिटी टैंक की तुलना में बहुत बड़ी थी और काव्या के लिए वास्तविक प्राचीन वस्तुएं प्राप्त करना बहुत संभव था रेस्टोरेंट से निकलने के बाद काव्या और लेंग शाउटिंग सीधे एंटीक स्ट्रीट पर चले गए राजधानी की प्राचीन सड़क गतिविधि और आगंतुकों से भरी हुई थी काव्या उसके चारों ओर घूमी और अंत में उसे पांच असली प्राचीन वस्तुएं मिली उनमें से दो का मूल्य सैकड़ों हजारों युवा था जबकि अन्य दो का मूल्य लगभग दो मिलियन युवा था और अंतिम का मूल्य दस मिलियन युवा से अधिक था चलो अब पत्थर के जुए की गली में चलते हैं काव्या ने कहा कि वे प्राचीन सड़क के चारों ओर घूमने के बाद राजधानी में पत्थर के जुए की सड़क भी बहुत बड़ी थी लेकिन सिटी टैंक में अभी भी इसकी तुलना ब मुश्किल की जा सकती थी क्योंकि सिटी टैंक वैसे भी जेड़ कच्चे माल का आधार था क्या दादाजी को जेड़ पसंद है काव्या ने लेंग शोटिंग से पूछा हाँ लेकिन वह केवल उच्च स्तरीय और शीर्ष स्तरीय जेड़ पसंद करता है लेंग शोटिंग ने स्पष्ट रूप से कहा काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा बहुत अच्छा फिर मैं उसे कुछ उच्च स्तरीय जेड़ भेजूंगी महान लेंग शाउटिंग समझ गए कि काव्या के लिए उच्च गुणवत्ता वाले जेड़ को काटना आसान था इसलिए उन्होंने उसे नहीं रोका इस बीच उन्हें अपनी प्रेमिका पर गर्व महसूस हुआ काव्या ने कई कच्चे माल की दुकानों का दौरा किया और अंत में एक शीर्षस्तरीय जेड़ पाया इसके अलावा उन्हें दो कच्चे माल भी मिले जिनमें उच्च स्तरीय जेड़ शामिल था हालांकि उसकी टेलीपैथिक आंखों की जगह में शीर्ष स्तर के जेड़ के कई टुकड़े थे लेकिन वह उन्हें लेंग शाउटिंग के सामने नहीं ले जा सकती थी इसलिए वह केवल पत्थर के जुए की गली में कुछ खोज सकती थी काव्या ने बाद में दुकान के एक कर्मचारी से कच्चे माल को अंदर से शीर्ष स्तर के जेड़ के साथ काटने का अनुरोध किया कच्चा माल बड़ा नहीं था यह एक आदमी की मुट्ठी के आकार का था लेकिन इसकी बाहरी परत पतली थी और इसे केवल रगड़ने की जरूरत थी जब भी कोई मजदूर कच्चा माल काट रहा होता था तो उसे देखने वालों का एक समूह घेर लेता था यह अंदर हरा है कच्चे माल में हरा होने की घोषणा के बाद कार्यकर्ता के आसपास और लोग जमा हो गए जिस मिनट हरा दिखाई दिया किसी ने बोली लगाई लेकिन काव्या ने रोक दी क्षमा करें मेरा इस जेड़ को बेचने का कोई इरादा नहीं है यह पुरानी पीढ़ी के लिए नए साल का तोहफा है चूंकि मालिक इसे बेचना नहीं चाहता था इसलिए दूसरे उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे हालांकि एक महिला ने अचानक तेज दरार रूप से कहा जी पुरानी पीढ़ी के लिए नए साल का तोहफा यह पक्का नहीं है कि अभी अंदर जेड़ है तुरंत निष्कर्ष पर मत पहुंचिए महिला अपने शुरुआती बिस्वा दशा में थी और उसने डिजाइनर ब्रांडों के कपड़े पहने थे लेकिन वह बिल्कुल भी स्टाइलिश नहीं दिख रही थी काव्या ने प्रतिवाद किया यह आपके किसी काम का नहीं है तो क्या हुआ मैं पहले ही कह चुकी हूँ हालांकि महिला तुरंत डर गई जब लेंग शाउटिंग ने उसे एक और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की काव्या उससे बहस करने के लिए काफी ऊब नहीं थी इसलिए उसने महिला को नजरअंदाज कर दिया महिला ने अपमानित महसूस किया और उसके बगल में एक अधेर उम्र के आदमी के सामने प्यारा खेला हनी शहद काव्या हैरान थी और उन्हें एक ही बार में उनके रिश्ते का एहसास हो गया अधेर उम्र का आदमी महिला का शुगर डैडी होना चाहिए सब अब उस स्त्री को तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे क्योंकि वह इतनी कम उम्र में रखेल थी चुप रहो या तुम अभी जा सकते हो आदमी गुस्से में बोला वह वा वास्तव में अन्य लोगों की राय के बारे में परवाह नहीं करता था लेकिन इस बात से नाराज था कि महिला ने कच्चे माल को काटने की प्रक्रिया में बाधा डाली महिला डर के मारे अवाक रह गई इसकी बाहरी परत को थोड़ा थोड़ा हटाकर जेड़ पूरे पैमाने पर दिखाई दिया यह गहरा हरा था और बहुत सुंदर लग रहा था यीशु यह किंग्स ग्रीन है कार्यकर्ता ने उत्साह में अपनी आवाज उठाई उसके आसपास के सभी लोगों ने भी एक लंबी सांस ली और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था किंग्स ग्रीन जेड का राजा था हालांकि काव्या को इसका एक टुकड़ा इतनी आसानी से मिल गया अब हर कोई उससे ईर्ष्या कर रहा था और वे सभी चाहते थे कि उन्हें किंग्स ग्रीन मिल जाए काव्या जानती थी कि उसमें शीर्ष स्तर का जेड़ है लेकिन यह नहीं जानती थी कि यह किंग्स ग्रीन है इसलिए वह भी इसे देखकर हैरान रह गई फिर भी यह मास्टर लेंग के लिए एक उत्तम उपहार था खबर सुनकर बहुत से लोग दुकान पर आ गए लेकिन वे सभी इस बात से निराश थे कि काव्या इसे नहीं बेचेगी काव्या ने कच्चे माल को काटने के लिए शुल्क का भुगतान किया और लेंग शोटिंग के साथ जल्दी से निकल गई हर कोई उन्हें आंखों से ओझल होते हुए ही देख सकता था किंग्स ग्रीन की कीमत कम से कम सौ मिलियन युवा थी हालांकि इस खबर ने कुछ बुरे लोगों का ध्यान भी खींचा अपने हाथों में बेशकीमती रत्न लेकर काव्या एक खतरनाक स्थिति में थी दुकान से निकलते ही उन्हें लगा कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं हालांकि उन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और सीधे पार्किंग में चले गए सड़क पर बहुत सारे लोग थे इसलिए बदमाशों को काव्या पर हमला करने का मौका नहीं मिला जब वे पार्किंग में थे तब उन्होंने काव्या से जेड छीनने की योजना बनाई हालांकि काव्या और लेंग शोटिंग एक हमर के पास गए जिसने बदमाशों को चौंका दिया कार बहुत महंगी थी और इसका मालिक या तो बहुत अमीर या शक्तिशाली होगा इसलिए वे बुरे लोग हिचकिचाए इस बीच वे कम से कम 100 मिलियन युवा मूल्य के किंग्स ग्रीन को मिस करने के लिए अनिच्छुक थे इसलिए उन्होंने रिस्क लेने का मन बना लिया काव्या के लिए 100 मिलियन युवा ज़्यादा नहीं थे लेकिन यह आम लोगों के लिए सौभाग्य की बात थी पार्किंग में कम लोग थे इसलिए बदमाश सीधे लेंग शाउटिंग और काव्या पर दौड़ पड़े जब वे कार में बैठने वाले थे हालांकि इससे पहले कि वे उन पर हमला कर पाते लेंग शाउटिंग ने पहले उन्हें मुक्का मारा कई आंदोलनों के भीतर तीन लोगों को लात मारी गई उनके विस्मय के लिए इससे पहले कि वे काव्या पर हमला करना शुरू करते वे विफल हो गए तीनों आदमी जमीन पर पड़े हुए दर्द से करा रहे थे और उन्हें अब एहसास हुआ कि उन्होंने एक भयानक गलती की है वे लेंग शॉटिंग से डरे हुए थे और भागने के लिए उत्सुक थे दुर्भाग्य से वे मुश्किल से खड़े हो सके लेंग शोटिंग ने उन पर समय बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई इसलिए वह कार में सवार हो गया और बिना किसी हिचकिचाहट के चला गया लेंग शोटिंग और काव्या दोनों ही अभी जो कुछ हुआ था उससे प्रभावित नहीं थे काव्या ने कहा हमें वाई दादाजी को भेजने से पहले इसे पैक करने के लिए एक अच्छा बॉक्स खोजने की जरूरत है उसने लगभग आपके दादाजी फिर से कहा लेकिन इसे तुरंत बदल दिया मुझे लगता है कि यह बहुत महंगा है क्या हम दूसरा उपहार तैयार नहीं कर सकते हालांकि लेंग शाउटिंग समझ गए थे कि काव्या में जेड़ की बिल्कुल भी कमी नहीं है शीर्ष स्तर का जेड़ बहुत दुर्लभ था वह चाहता था कि वह इसके बारे में दो बार सोचे चिंता मत करो यह पहली बार नहीं है कि मैंने किंग्स ग्रीन को काटा है काव्या ने कहा चूंकि उसने वादा किया था कि वह अपने दादाजी को उच्च स्तर की जेड़ भेज देगी इसलिए वह अपना वादा पूरा करेगी चाहे वह कितना भी महंगा क्यों न हो वह उसे अपने दादाजी के पास भेजने को तैयार थी लेकिन लेंग शाउटिंग अभी भी झिझक रहा था राजा का हरा आखिरकार बहुत महंगा था सौ मिलियन युवा भी उसके लिए कुछ भी नहीं था लेकिन यह एक उपहार के लिए बहुत अधिक था ठीक है अगर हम एक दिन शादी करते हैं तो हम अपनी संपत्ति और संपत्ति साझा करेंगे जो मेरा है वह तुम्हारा है काव्या ने कहा उसका लेंग शोटिंग की संपत्तियों को अपनी संपत्ति मानने का कोई इरादा नहीं था लेकिन वह उसे आराम देना चाहती थी काव्या ने जो कहा उसे सुनकर लेंग शाउटिंग एक बार में खुश हो गए उसे काव्या की संपत्तियों को अपनी संपत्ति मानने में बिल्कुल भी आपत्ति नहीं थी ठीक है तो मैं दादाजी की ओर से उपहार लूंगा इसके बाद वे घर वापस चले गए जल्द ही यह खबर कि किसी ने किंग्स ग्रीन को काट दिया था पत्थर के जोए की सड़क पर फैल गई कई लोग हैरान भी थे और ईर्ष्या भी जब रात के खाने का समय हुआ लेंग शोटिंग ने काव्या के लिए घर पर खाना बनाया काव्या अभी अपने पीरियड्स पर थी इसलिए लेंग शोटिंग ने उसे थोड़ा और आराम करने के लिए मनाया फिर भी भले ही वह अपने मासिक धर्म में नहीं थी फिर भी वह उसके लिए खाना बनाने को तैयार था लेंग शोटिंग एक बेहतरीन रसोईया था काव्या से भी बेहतर भोजन के दौरान लेंग शोटिंग का फोन अचानक बज उठा फोन करने वाला शू जिनचेन था जो जिनचेन ने उन्हें कल दोपहर दो बजे नीलामी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया काव्या ने सुना और उत्साहित थी उसने जू जिनचेन से पूछा कि क्या उसे नीलामी के लिए अपनी वस्तुओं को रखने का मौका मिलेगा दरअसल काव्या पैसे के लिए नहीं बल्कि मौजमस्ती के लिए अपनी प्राचीन वस्तुओं को बेचना चाहती थी क्या आपके पास प्राचीन वस्तुएं भी हैं क्या है वह जो जिनचेन ने उत्सुकता से पूछा कहने से पहले काव्या ने एक सेकंड के लिए सोचा एक आधिकारिक किल राइटिंग ब्रश वॉशर वह केवल मनोरंजन के लिए नीलामी में भाग लेना चाहती थी इसलिए वह कोई ऐसी वस्तु नहीं रखना चाहती थी जो उसके लिए बहुत महंगी हो कोई बात नहीं जो जिनचेन ने तत्परता से उत्तर दिया वह प्राचीन वस्तुओं के बारे में बहुत कम जानता था इसलिए उसने आधिकारिक भट्टा लेखन ब्रश वॉशर के बारे में और नहीं पूछा नीलामी में एक मूल्यांकक था जो वैसे भी वस्तुओं का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार था बेशक मूल्यांकक हमेशा सही नहीं होते थे इसलिए कभी कभी प्रतिकृतियाँ होती थी उनमें से कुछ इतने वास्तविक लग रहे थे और कई विशेषज्ञ वास्तविक लोगों से अंतर बताने में विफल रहे हालांकि नीलामी से पहले संभावित खरीदार स्वयं वस्तु की जांच कर सकते थे और इसलिए वे अपनी पसंद के लिए जिम्मेदार होंगे नीलामी घर को कोई जिम्मेदारी उठाने की जरूरत नहीं थी और इसकी प्रतिष्ठा खराब नहीं होगी क्योंकि इस उद्योग में यही नियम था कुछ मिनट बाद मास्टर लेंग ने फिर से नीलामी के बारे में बात करते हुए लेंग शाउटिंग को बुलाया मास्टर लेंग एक प्राचीन प्रेमी थे इसलिए उन्हें नीलामी में दिलचस्पी थी उसने लेंग शाउटिंग से पूछा कि क्या वह कल उसका साथ देने के लिए स्वतंत्र था नीलामी में जू बेहोम की एक पेंटिंग थी और वह इसे खरीदना चाहता था काव्या के साथ नीलामी में शामिल होने जा रहा था हालांकि उन्होंने इसकी वजह अपने दादा को नहीं बताई नहीं तो उनके दादाजी उनसे मिलने जरूर आते अपने दादाजी को आने से रोकने के लिए लेंग शोटिंग ने कहा यदि आप पेंटिंग चाहते हैं तो मैं इसे आपके लिए खरीद सकता हूँ नीलामी में भीड़ होगी इसलिए मुझे लगता है कि आप घर पर ही रहें तो बेहतर होगा मुझे इसे स्वयं जांचना है क्या हुआ अगर यह नकली है मैं पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता मास्टर लेंग ने कहा ठीक है मैं आपको जू बेहोंग की पेंटिंग की तुलना में बेहतर सुलेख दे सकता हूँ इसलिए आपको नीलामी में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है लेंग शाउटिंग ने कहा वह मास्टर लेंग को आने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था क्या आप जू बेहोंग की पेंटिंग चाहते हैं या झाओ मैंगू की लोअर शेन फू लेंग शोटिंग ने पूछा क्या मास्टर लेंग हैरान और उत्साहित थे क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपके पास लोअर शेन फू है हाँ लेंग शोटिंग ने कहा लेंग शाउटिंग के सकारात्मक जवाब के साथ मास्टर लेंग अब पहले से ज्यादा उत्साहित थे वह इसे पाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था इसे अभी मुझे दे दो मैं वादा करता हूं कि मैं इसे बाद में आपके पास लाऊंगा चूंकि लेंग शाउटिंग ने लोअर शेन फू का उल्लेख किया था इसलिए उसने आज अपने दादाजी को उपहार भेजने की योजना बनाई लेंग शाउटिंग अपने दादाजी के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से समझते थे अगर उसे सुलेख नहीं मिलता तो वह रात को सोता नहीं था और लेंग शाउटिंग नहीं चाहता था कि उसके दादाजी देर तक रहें आखिर उनके दादा बुजुर्ग थे कब? नहीं आपको इसे जल्द से जल्द मेरे पास लाना होगा मास्टर लेंग ने मांग की मैं अब खा रहा हूं उसके बाद मैं इसे आपके पास लाऊंगा महान खाने में अपना समय बर्बाद मत करो और जितनी जल्दी हो सके इसे मेरे पास ले आओ मास्टर लेंग ने आग्रह किया लेंग शाउटिंग ने फोन रख दिया और काव्या को बताया कि वह थोड़ी देर के लिए जाने वाला है काव्या ने उन दोनों के बीच की बातचीत सुनी और बुरा नहीं माना भोजन के बाद लेंग शाउटिंग अपने हाथों में सुलेख और किंग्स ग्रीन के साथ लेंग परिवार के घर वापस चला गया काव्या ने तब लू जान और डुआन लिक्सिन को संदेश भेजा जिसमें बताया गया कि उसने कार्यालय भवन और नई कंपनी को पहले ही बसा लिया है काव्या का संदेश पढ़कर लू और डुआन लिक्सिन दोनों ने आराम किया अब से वे फेंगुआ एंटरटेनमेंट के लिए काम करेंगे बेशक उन्हें पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की जरूरत थी लेंग परिवार के घर में मास्टर मास्टरलेंग उत्सुकता से लेंग शाउटिंग का इंतजार कर रहे थे और गृहस्वामी से कहा कि वे हर समय बाहर की जांच करें कि क्या लेंग शाउटिंग घर वापस आ गया है शाम के साथ बस चुके थे इसलिए लेंग कियान का परिवार और लेंग युआनजैन का परिवार सभी मास्टर लेंग के साथ घर में थे वे जानते थे कि लेंग शाउटिंग के कारण मास्टर लेंग बेचैन थे इसलिए लेंग कियान का परिवार नाराज था उनकी नजर में लेंग शोटिंग एक बाहरी व्यक्ति था भले ही वह मास्टर लेंग का सबसे बड़ा पोता था दादाजी शूटिंग कल ही आपसे मिलने आए थे अब तुम इतने उत्साहित क्यों हो लेंग शॉकसुन ने उत्सुकता से पूछा केवल लेंग शौकसुन ही नहीं बल्कि बाकी सभी लोग भी उत्सुक थे उन्होंने कभी भी मास्टर लेंग को उत्तेजना से इतना बेचैन होते नहीं देखा था क्योंकि लेंग शोटिंग वापस आ रही थी शूटिंग मुझे लुअशेंग फू देने जा रही है यह एक अमूल्य सुलेख है मास्टर लेंग ने खुशी से जवाब दिया उन्होंने लेंग शाउटिंग के प्रति अपनी प्रशंसा को भी नहीं छिपाया जिससे लेंग युआन कियान का परिवार असंतुष्ट महसूस कर रहा था हालांकि उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि लेंग शाउटिंग झाओ मैंगफू के लो शेन फू को पाने में सक्षम थे वे सभी जानते थे कि मास्टर लेंग एक प्राचीन प्रेमी थे और हर कोई उनका पक्ष लेना चाहता था दुर्भाग्य से आपके पास पर्याप्त पैसा होने पर भी आजकल असली को ढूंढना इतना कठिन था मुझे नहीं लगता कि यह कोई बड़ी बात है यह केवल सुलेख का एक मूल्यहीन टुकड़ा है लेंग शाउजिया ने तिरस्कार के साथ कहा वह जाहिर तौर पर नाराज थी शाउजिया अपने शब्दों पर ध्यान दो लेंग युआनकियान ने आलोचना की वे सभी जानते थे कि मास्टर मास्टरलेंग एक प्राचीन प्रेमी थे और उनकी बातें निश्चित रूप से मास्टर मास्टरलेंग को गुस्सा दिलाएंगी मास्टर लेंग वास्तव में चिढ़ गया था लेंग शाऊजिया को मजबूत असंतोष के साथ देख रहा था और लेंग शाऊजिया ने डर के मारे तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया उसने मास्टर लेंग से मिलने की हिम्मत नहीं की मास्टर लेंग उस रवैये के बारे में जानते थे जो लेंग परिवार के अन्य सदस्यों ने पूरे समय लेंग शोटिंग के प्रति रखा था लेकिन जब तक वे सद्भाव में रहे और एक दूसरे पर हमला नहीं किया तब तक मास्टर लेंग हस्तक्षेप नहीं करेंगे हालांकि अगर कोई उसके सामने किसी दूसरे के प्रति अपनी दुश्मनी दिखाता है तो वह इसे नजरअंदाज नहीं करेगा क्या उनके लिए एक परिवार की तरह एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना इतना मुश्किल था लेंग शौक सुन यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि लेंग शाउजिया ने लेंग शाउटिंग को चुन लिया था जिसकी वह प्रशंसा करता था शाऊजिया हम सभी जानते हैं कि दादाजी को प्राचीन वस्तुएं पेंटिंग और सुलेख पसंद है आपने अभी भी क्यों कहा कि यह मुँह है आप किसे निशाना बना रहे हैं शॉटिंग या दादाजी क्या कोई चीज़ मूल्यहीन है अगर कोई उसे नापसंद करता है यदि ऐसा है तो मुझे लगता है कि आपके डिजाइन भी मूल्यहीन है लेंग शाओजिया की कपड़ों के डिज़ाइन में रुचि थी हालांकि वह उस समय भी बेरोजगार थी लेकिन जब वह बेवकूफ नहीं बना रही थी तब वह कपड़े डिजाइन कर रही थी लेंग शाओजिया ने जानबूझकर कर लेंग शाउजिया को अपने दादाजी के सामने शर्मिंदा किया क्योंकि लेंग शाउजिया ने कई बार लेंग शाउटिंग में दोष पाया था हालांकि उसने लेंग शाउटिंग के सामने यह कहने की हिम्मत नहीं की लेकिन उसने अक्सर उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई की थी आप लेंग शाउजिया पागल था लेकिन मास्टर लेंग की उपस्थिति के कारण कुछ नहीं कह सका वास्तव में लेंग युआनजेन के परिवार को भी लेंग युआनकियान के परिवार का साथ नहीं मिला इसके अलावा लेंग युआनकियान के परिवार का मानना था कि उन्हें लेंग परिवार की संपत्ति विरासत में मिलनी चाहिए क्योंकि मास्टर लेंग के सबसे बड़े बेटे का निधन हो गया था उस मामले में लेंग युआनजेन का परिवार भी लेंग युआनकियान के परिवार के लिए एक समस्या थी फिर भी वे सभी जानते थे कि एक शक्तिशाली परिवार को एक सामंजस्यपूर्ण परिवार होना चाहिए इस प्रकार भले ही उनकी आपस में नहीं बनती थी फिर भी वे इसे अपने बीच गुप्त रखते थे अपने शब्दों पर भी ध्यान दे लेंग युआनजेन ने लेंग शौकसुन की आलोचना की लेंग शाउजिया ने जो कहा उससे मास्टर लेंग नाराज़ हो गए और वह उसे अब और नहीं देखना चाहते थे मास्टर लेंग अपने अध्ययन पर वापस चले गए और लेंग चांगजी से कहा कि जब वे वहां पहुंचे तो लेंग शाउटिंग को सीधे अपने अध्ययन के लिए मार्गदर्शन करें लेंग शूटिंग वहां पहुंचा जब रात के आठ बज रहे थे ऊपर जाने से पहले उन्होंने परिवार के कई बड़े सदस्यों का अभिवादन किया शूटिंग क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ लेंग शॉक्सुन ने पूछा वह सुलेख के बारे में भी उत्सुक थे मुझे दादाजी से कुछ बात करनी है यदि आप देखना चाहते हैं तो आप थोड़ी देर में जाकर देख सकते हैं लेंग शाउटिंग नहीं चाहते थे कि लेंग शॉकसुन को काव्या के साथ अपने रिश्ते के बारे में पता चले इसलिए उन्होंने मना कर दिया ठीक है लेंग शॉक्सुन ने कहा लेंग शाउटिंग ने अध्ययन के दरवाजे पर दस्तक दी और मास्टर लेंग तुरंत इसे खोलने गए एक शब्द कहे बिना मास्टर लेंग ने सीधे लेंग शाउटिंग से कैलीग्राफी पकड़ ली लेकिन उसने इसे हल्के ढंग से किया क्योंकि वह इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था वह अपनी मेज पर वापस चला गया और इसकी प्रामाणिकता का मूल्यांकन करने से पहले सुलेख को खोल दिया ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि मास्टर लेंगलेंग -लेंग शोटिंग पर विश्वास नहीं करते थे लेकिन यह सिर्फ एक आदत थी इसके अलावा आजकल प्रतिकृतियां देखना असामान्य नहीं था और यह संभव था कि लेंग शाउटिंग ने नकली खरीदा हालांकि मास्टर लेंग के समृद्ध ज्ञान और अनुभव के साथ वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह सुलेख वास्तविक था उसके हाथ उत्तेजना में कांप रहे थे हा हा हा, हा, हा। यह वास्तविक है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अभी भी अपने जीवनकाल में सुलेख का इतना मूल्यवान टुकड़ा एकत्र कर सकता हूं मास्टर लेंग अब रोमांचित से अधिक था मुझे इसे अपने पुराने दोस्तों को दिखाना चाहिए वे मुझसे बहुत ईर्ष्या करेंगे अरे कहाँ से मिला मास्टर लेंग ने जिज्ञासा से पूछा निंगिंग ने गलती से इसे एक प्राचीन सड़क से खरीदा था यह आपके नए साल का तोहफा है लेंग शाउटिंग ने स्पष्ट रूप से कहा उसके दादाजी पहले से ही जानते थे कि उसकी एक प्रेमिका है इसलिए छिपाने की कोई बात नहीं थी लेकिन उसके दादाजी को अभी तक अपनी प्रेमिका की पृष्ठभूमि के बारे में नहीं पता था बिना पूछे मास्टर मास्टरलेंग को तुरंत एहसास हुआ कि निंगिंग कौन था यह उनके पोते की युवा प्रेमिका होनी चाहिए हालांकि मास्टर लेंग हैरान थे कि काव्या ने गलती से इसे खरीद लिया था आपकी प्रेमिका कमाल है मास्टर लेंग ने तारीफ की लेंग शोटिंग के होठों पर एक गर्व भरी मुस्कान थी जब उसके दादाजी ने अपनी प्रेमिका की तारीफ की काव्या की वजह से लेंग शोटिंग को मुस्कुराते हुए देखकर मास्टर लेंग फिर से चकित रह गए मास्टर लेंग समझ गया कि उसके पोते को उसका सच्चा प्यार मिल गया होगा इसलिए वह अब अपने पोते की प्रेमिका के बारे में जानने के लिए उत्सुक था उसी समय उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि उनके पोते की प्रेमिका उन्हें इतना मूल्यवान उपहार भेजने के लिए बहुत उदार थी दरअसल काव्या की लोअ शेन फू की अनुमानित कीमत सही नहीं थी उसने सोचा कि यह कम से कम आठ मिलियन युवा या अधिक से अधिक दस मिलियन युवा से अधिक का था लेकिन यह कम से कम तीस मिलियन युवा से अधिक का था अगर इसे नीलामी के लिए रखा जाता तो इसकी कीमत करीब पचास लाख युवा हो सकती थी मास्टर लेंग फिर झिझके फिर भी मुझे लगता है कि यह उपहार बहुत महंगा है उसने यह नहीं सोचा था कि काव्या इतना मूल्यवान उपहार भेजकर उसका पक्ष लेने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसका मानना था कि काव्या एक अमीर परिवार की एक स्मार्ट लड़की होनी चाहिए हालांकि उपहार वास्तव में बहुत महंगा था और वह इसे लेने में असहज महसूस कर रहा था वास्तव में आपके लिए और भी महंगा उपहार है लेंग शाउटिंग ने मेज पर एक और उपहार रखा मास्टर लेंग गूंगा हो गया था झाओ मैंगू के सुलेख से अधिक महंगा उपहार क्या है वह मास्टर लेंग ने पूछा और उसे खोलने के लिए अपने हाथ बढ़ा दिए लेंग शाउटिंग ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया लेकिन उसे खुद पता लगाने दिया मास्टर लेंग ने लकड़ी के बक्से को खोला और गहरे हरे रंग की जेड का एक टुकड़ा उनकी दृष्टि में आया उसने बड़े झटके से अपनी आंखें गोल कर ली यही वह एक शब्द कहने के लिए बहुत चकित था हालांकि उसके पास पहले से ही उत्तर था वह निश्चित नहीं था मास्टर लेंग ने जेड को बाहर निकाला और उसे करीब से देखा यह किंग्स ग्रीन है आपने इसे कैसे प्राप्त किया लेंग शाउटिंग ने कहा निंगिंग ने आज पत्थर के जुए की गली में इसे खत्म कर दिया क्या मास्टर लेंग अब हैरान से ज्यादा था दोबारा उसने वास्तव में यह खबर सुनी थी कि थोड़ी देर पहले एक लड़की ने किंग्स ग्रीन का एक टुकड़ा काट दिया था जिसकी कीमत सौ मिलियन युवा से अधिक थी अप्रत्याशित रूप से लड़की लेंग शाउटिंग की प्रेमिका और उनकी होने वाली पोती थी किंग्स ग्रीन जेड की कीमत सौ मिलियन युवा से अधिक थी इसका मूल्य केवल सौ मिलियन युवा से कहीं अधिक हो सकता है मास्टर लेंग के पास अब अपनी भावनाओं का वर्णन करने के लिए शब्द कम थे शूटिंग तुम्हारी प्रेमिका बहुत अविश्वसनीय है वह वास्तविक प्राचीन वस्तुओं को चुनने और उच्च गुणवत्ता वाले जेड को काटने में सक्षम है मास्टर लेंग ने सोचा था कि लेंग शाउटिंग ने केवल एक सुंदर युवा लड़की को चुना था लेकिन उसके आश्चर्य के लिए लड़की वास्तव में प्रतिभाशाली थी आप और जानेंगे लेंग शाउटिंग ने कहा फिर भी यह बहुत महंगा है मास्टर लेंग इस बार और अधिक असहज महसूस कर रहे थे आखिर किंग के हरे रंग की कीमत 100 मिलियन युवा से अधिक थी लेंग परिवार के लिए 100 मिलियन युवा ज़्यादा नहीं थे लेकिन अगर यह सिर्फ़ एक उपहार था तो यह बहुत महंगा था यहां तक कि लेंग परिवार भी दूसरों को उस कीमत पर उपहार नहीं भेजेगा वास्तव में काव्या सिर्फ लेंग शोटिंग की प्रेमिका थी और उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी इसलिए मास्टर लेंग अभी काव्या का परिवार नहीं था लेकिन वह उसे इतना महंगा और दुर्लभ उपहार भेजने को तैयार थी मास्टर लेंग काव्या की उदारता से चकित थे आप चिंता न करें उसके लिए किंग्स ग्रीन को काटना मुश्किल नहीं था और उसने जो दिया है उसे वापस नहीं लेगी लेंग शाउटिंग ने कहा हालांकि वह अपने दादाजी के समान ही सोचता था क्योंकि लेंग शाउटिंग ने ऐसा कहा था मास्टर लेंग ही ले सकते थे उपहार ठीक है मुझे उसके लिए एक उपहार वापस भेजने दो मास्टर लेंग ने कहा और काव्या के लिए कुछ खोजने वाले थे लेकिन लेंग शोटिंग ने रोक दिया कृपया परेशान मत करो मैंने उसे यह नहीं बताया कि आप पहले से ही जानते हैं कि मेरी एक प्रेमिका है क्योंकि वह अभी इसे गुप्त रखना चाहती है उसने मुझे अपने नाम से तुम्हें ये दो उपहार भेजने के लिए कहा था लेकिन मैं उसकी दया को बर्बाद नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने तुम्हें सच बता दिया लेंग शाउटिंग ने कहा क्या यह सुनकर मास्टर लेंग हैरान रह गए अप्रत्याशित रूप से काव्या का उसे यह बताने का कोई इरादा नहीं था कि उसने उसके लिए दो उपहार तैयार किए थे मास्टर लेंग का मानना था कि लेंग शाउटिंग उससे झूठ नहीं बोलेंगे इसलिए वह अब काव्या के बारे में पहले से कहीं अधिक ऊंचा सोचने लगा लेंग शाउटिंग वहां बहुत लंबे समय तक नहीं रहे मास्टर लेंग को देखकर वह दाहिनी ओर चला गया ऐसा लग रहा था जैसे उसने सच में इस घर को अपना घर ही न बना लिया हो मास्टर लेंग के अलावा जो समझ गए थे कि लेंग शाउटिंग अपनी प्रेमिका के पक्ष में वापस जाने की जल्दी में थे लेंग परिवार के अन्य सदस्यों ने सोचा कि उन्हें सेना में व्यवसाय पर कब्जा करना चाहिए लेंग शाउटिंग सेना में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और उन्हें विशेष रूप से वर्ष के अंत में व्यस्त होना चाहिए लेंग शाउटिंग नहीं चाहते थे कि लेंग परिवार में किसी और को पता चले कि उनकी एक प्रेमिका है इसलिए मास्टर लेंग ने इसे उनके बीच रखने का वादा किया मास्टर मास्टरलेंग काव्या के बारे में उत्सुक थे लेकिन लेंग शोटिंग ने उन्हें उसकी जांच करने की अनुमति नहीं दी इसलिए उन्हें यह विचार छोड़ना पड़ा हालांकि लेंग शोटिंग ने उसे लड़की का पूरा नाम बताने से भी इनकार कर दिया जिससे मास्टर मास्टरलेंग भ्रमित हो गया लेकिन अगर लेंग शाउटिंग उसे बताना नहीं चाहता था तो मास्टर मास्टरलेंग उसे यह कहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था लेंग शोटिंग के चले जाने के बाद मास्टर लेंग ने तुरंत किसी को फोन किया हाय मास्टर जियांग मुझे झाओ मैंगफू का लोह शेन फू मिला है तुम क्यों नहीं आते और कल देखते हो मास्टर जियांग का पूरा नाम जियांग झोंग्यू था वह मास्टर लेंग के पुराने मित्र थे और वे पहले राष्ट्रीय प्राचीन वस्तु संघ के प्रमुख रह चुके थे इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से प्राचीन वस्तुओं के प्रति बहुत लगाव था हालांकि वह अब सेवानिवृत्त हो गया था फिर भी वह प्राचीन उद्योग में प्रभावशाली था यह सुनकर जियांग झोंग्यू उत्साहित हो गई क्या झाओ मेंगफू का लो शेनफू वास्तव में तुम एक बुरे व्यक्ति हो कि तुम मुझे अभी बुलाते हो लेकिन मुझे कल तुमसे मिलने के लिए कहते हो मैं आज रात कैसे सो पाऊंगा नहीं मैं अभी आ रहा हूँ और तुम्हें जागते रहना चाहिए और मेरी प्रतीक्षा करनी चाहिए जियांग झोंगयू बेशक कल तक इंतजार नहीं कर सकता था वह जल्दी से अपने कमरे से बाहर चला गया और ऊपर चिल्लाया जियांग बर्बाद कर रही है अब यहां से निकल जाओ जियांग झोंग्यू पहले से ही सत्तर वर्ष के थे लेकिन उन्होंने बहुत व्यायाम किया इसलिए वे अभी भी ऊर्जा से भरे हुए थे कुछ ही सेकंड के भीतर लगभग बीस वर्षीय एक सुंदर युवक नीचे की ओर देखते हुए सीढ़ियों पर दिखाई दिया दादाजी क्या गलत है जियांग झोंगू ने देखा कि जियांग रुनिंग अभी भी अपने नाइट गाउन में थी अभी अपने कपड़े बदलो और मुझे लिंग परिवार के घर ले चलो अब बहुत देर हो चुकी है तुम लिंग परिवार के घर क्यों जा रहे हो जियांग रुनिंग ने पूछा सवाल पूछना बंद करो तुम्हारे पास केवल दो मिनट है जियांग जियांग ने आदेश दिया तुरंत अपने कमरे में वापस गया और कपड़े बदल लिए एक मिनट बाद वह फिर से बाहर चला गया सौभाग्य से जियांग परिवार का घर लेंग परिवार के घर से सिर्फ दो गली दूर था इसलिए जियांग झोंग्यू कुछ मिनटों के बाद पहुंचे लेंग चांगझी दरवाजे पर मास्टर जियांग का इंतजार कर रहा था इस प्रकार जिस मिनट जियांग झोंग्यू पहुंचे वे मास्टर लेंग के अध्ययन के लिए गए जियांग रुइनिंग को यह स्वीकार करना पड़ा कि उनके दादाजी एक पूर्ण प्राचीन व्यसनी थे जाने की रात थी और वह फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के यहाँ आ गया जियांग रुइनिंग को अपने दादाजी का अनुसरण करना पड़ा लिविंग रूम में केवल लेंग शॉक्सुन था जियांग झोंग्यू को देखकर लेंग शॉक्सुन ने उनका सम्मान किया लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया लेंग शॉकसुन पहले से ही इसका आदि था क्योंकि वह समझ गया था कि जियांग झोंग्यू यहाँ क्यों था जियांग रोइनिंग को प्राचीन वस्तुओं में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी इसलिए वह लिविंग रूम में लेंग शॉकसुन के साथ टीवी देख रहा था नए साल का त्यौहार कोने के आसपास है क्या शॉटिंग घर वापस आएगी जियांग रोइनिंग ने लेंग शाउटिंग की उतनी ही प्रशंसा की जितनी कि लेंग शाउकसुन ने की थी और उन्हें लेंग शाउटिंग के साथ लेंग शाउकसुन द्वारा प्रशिक्षित भी किया गया था हालांकि वह लेंग शॉक्सुन के साथ तुलना नहीं कर सकता था लेकिन उसके लिए कई सामान्य पुरुषों को खुद से हराना मुश्किल नहीं था पिछले दो दिनों में शूटिंग फिर से शुरू हो गई है लेकिन वह यहाँ केवल कुछ मिनटों के लिए रुके थे मुझे नहीं पता कि वह इतना व्यस्त क्यों है मुझे लगता है कि त्यौहार के दौरान वह शायद घर वापस आएंगे लेंग शॉक्सुन वास्तव में निश्चित नहीं थे क्योंकि लेंग शाउटिंग हर साल उनके साथ नए साल का त्यौहार नहीं बिताते थे अध्ययन में जियांग झोंग्यू ने उत्साह से मास्टर लेंग से पूछा लुअ शेन फू कहा है मुझे अभी देखने दो यह कहते हुए जियांग झोंग्यू सीधे स्टडी डेस्क पर गया और उस पर रखे लो शेन फू की सराहना की अगले दिन एक ग्वांग्याओं और अन्य लोगों ने सुबह सात बजकर बीस मिनट बजे सबसे पहली उड़ान भरी और लगभग दस बजकर तीस मिनट बजे राजधानी पहुंचे लेंग शाउटिंग ने काव्या को उन्हें लेने के लिए एक कार की व्यवस्था करने में मदद की इसलिए एक ग्वांग्यो के समूह ने कार ली और हवाई अड्डे से निकलते ही जिनलिन होटल की ओर बढ़ गए पचास मिनट बाद वे पहुंचे काव्या एक निजी कमरे में उनकी प्रतीक्षा कर रही थी और वे कार्यालय की इमारत में जाने से पहले एक साथ भोजन करेंगे काव्या और लेंग शोटिंग दोपहर दो बजे नीलामी में शामिल होने जा रहे थे इसलिए उन्होंने पहले ही व्यंजन मंगवा लिए उस स्थिति में गुआंगियों के समूह के आने पर ही भोजन किया जा सकता था आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस गु और मिस्टर लिंग एक गुआंग्याओं ने कहा क्योंकि आसपास और भी लोग थे अन गुआंगियों के लिए काव्या को अपना बॉस कहना सुविधाजनक नहीं था एक सचिव झांग शुंजी और एक डिजाइनर वो मिंकाई एक सहायक डिजाइनर और दो सर्वेक्षकों के साथ थे जो अनगुआंगियों के साथ राजधानी आए थे मिस गो मिस्टर लेंग आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा दूसरों ने उनका अभिवादन किया काव्या और लेंग शोटिंग उनके क्लाइंट थे इसलिए उनके मन में उनके प्रति बहुत सम्मान और विनम्रता थी दूसरी ओर झांग शुंझी को पता था कि काव्या उनकी बिग बॉस है इसलिए उन्होंने पूरे समय खुद ही व्यवहार किया बाद में काव्या ने उन्हें मेज के चारों ओर बैठने के लिए आमंत्रित किया भोजन के दौरान उन्होंने काम के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की काव्या ने कार्यालय भवन के लिए अपने विचार और ब्लूप्रिंट पहले ही लिख लिए थे और अनगुआ बाकी काम के प्रभारी होंगे यह एक 18 मंजिला कार्यालय भवन था इसलिए निस्संदेह स्वागत पहली मंजिल पर होगा जबकि अध्यक्ष का कार्यालय अठारहवीं मंजिल पर होगा विभागों के लिए वे वित्त मानव संसाधन विपणन सूचना और प्रतिभूति विभाग स्थापित करने जा रहे थे कार्यालय की इमारत का आकार पांच वर्ग मीटर था और प्रत्येक मंजिल पर एक बाथरूम और एक पेंट्री के साथ तीन विभाग थे कैंटीन एक मंजिल पर होती थी जबकि बैठक के कमरे दूसरे पर होते थे फेंगुआ एंटरटेनमेंट सीधे समूह के मुख्यालय में स्थापित किया गया था जो सातवीं आठवीं और नौवीं मंजिलों पर कब्जा कर रहा था सातवीं मंजिल पर एक डांस स्टूडियो बनना था आठवीं मंजिल पर रिकॉर्डिंग स्टूडियो होना था और नौवीं मंजिल में फेंगुआ एंटरटेनमेंट के कर्मचारियों के कार्यालय थे 18 मंजिला कार्यालय भवन में अस्थायी रूप से काफ़ी खाली जगह होगी क्योंकि काव्या के लिए अपनी सभी कंपनियों का विलय करने का यह उपयुक्त समय नहीं था उस मामले में काव्या ने योजना के अनुसार फर्शों को सजाने का फ़ैसला किया और बाकी खाली जगह उनके इस्तेमाल होने तक इंतज़ार करेगी फेंगुआ एंटरटेनमेंट के बारे में सुनकर एक ग्वांग्याओं हैरान रह गया उनके विस्मय के लिए काव्या मनोरंजन उद्योग में शामिल होने जा रही थी शेंगुआ रियल एस्टेट और जेड ब्यूटी ज्वैली के कारण अन को काव्या की क्षमता पर कोई संदेह नहीं था उन्होंने काव्या की पहले से कहीं अधिक प्रशंसा की क्योंकि वह इतनी कम उम्र में अपना व्यापारिक साम्राज्य स्थापित करने में सक्षम थी वे सभी जानते थे कि काव्या और लेंग शोटिंग के पास कुछ और है इसलिए उन्होंने आधे घंटे के भीतर भोजन समाप्त कर लिया इसके बाद वे कार्यालय भवन के लिए रवाना हो गए राजधानी न केवल बड़ी थी बल्कि भारी ट्रैफिक भी थी इसलिए वे आधे घंटे बाद तक नहीं पहुंचे काव्या और लेंग शोटिंग नीलामी में शामिल होने जा रहे थे इसलिए वे दूसरी दिशा में निकल गए नीलामी डाउनटाउन में आयोजित की गई थी और मेजबान राजधानी की सबसे बड़ी नीलामी कंपनी थी कई मशहूर हस्तियों को आमंत्रित किया गया था प्रत्येक सहभागी एक प्राचीन प्रेमी नहीं था कई लोग अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए यहां आए जबकि कुछ ने अपनी दौलत दिखाने का मौका भुनाया। साथ ही आमंत्रित किए गए सभी लोग नहीं आएंगे क्योंकि कुछ की कोई दिलचस्पी नहीं थी और कुछ उच्च सामाजिक स्थिति वाले लोगों ने आने की जहमत नहीं उठाई जब काव्या और लेंग शाउटिंग ने पार्किंग में कार रोकी तो वे जू जिनचेन के समूह से मिले जो उनका इंतजार कर रहे थे चेन मेंग सी सीमिंग क्यू यक्सन और जू किन्न जू जिनचेन के साथ आए हाय शोटिंग काव्या उन्होंने लेंग शोटिंग और काव्या का अभिवादन किया काव्या ने भी विनम्रता से उनका अभिवादन किया जबकि लेंग शोटिंग ने केवल हल्के से सिर हिलाया वे पहले से ही लेंग शाउटिंग की शैली के अभ्यस्त थे इसलिए उन्हें नहीं लगा कि यह असभ्य है काव्या मैंने सुना है कि तुम इस नीलामी के लिए एक प्राचीन वस्तु रख रही हो क्या आप कृपया इसे अभी हमें दिखा सकते हैं चेन चेनमेंग और अन्य सभी आश्चर्यचकित थे जब उन्होंने सुना कि काव्या एक प्राचीन वस्तु बेचने जा रही है इसलिए चेन चेनमेंग उससे पूछने का इंतजार नहीं कर सकता था कि वह कब आएगी हाँ लेकिन मैं इसे सिर्फ मजे के लिए बेच रहा हूँ मैं वास्तव में एक प्राचीन प्रेमी नहीं हूँ काव्या ने कहा और अपने बैग से आधिकारिक भट्ठा लेखन ब्रश वॉशर निकाला उनमें से कोई भी प्राचीन वस्तुओं के बारे में ज्यादा नहीं जानता था इसलिए वे यह नहीं बता सके कि यह धोबी कितना कीमती था वे केवल इसलिए यहाँ आए थे क्योंकि उन्हें आमंत्रित किया गया था और वे एक साथ इकट्ठा होना चाहते थे चलो अब अंदर चलते हैं यह शुरू होने वाला है दोपहर के एक बजकर तीस मिनट बज चुके थे और काव्या को पहले मूल्यांकन के लिए आधिकारिक किल राइटिंग ब्रश वॉशर लेना था इसलिए उनके लिए अंदर जाने का समय हो गया था हॉल में सभी आपस में बातें कर रहे थे और हाथ मिला रहे थे हालांकि जब लेंग शाउटिंग और अन्य लोग अंदर चले गए तो वे फोकस बन गए और बहुत ध्यान आकर्षित किया इसलिए नहीं कि बहुत से लोग उन्हें पहचानते थे बल्कि उनके उत्कृष्ट रूप के कारण वाह वे आदमी बहुत सुंदर है हाँ मुझे लगता है कि सुंदरियां आकर्षक है मैं सहमत हूँ विशेष रूप से लंबे वाला उसका शरीर परफेक्ट है हॉल में मौजूद महिला पुरुष दोनों ही उनकी सराहना करने में व्यस्त थे लेंग शाउटिंग और अन्य पुरुष सुंदर होने के साथ साथ मानसल भी थे हालांकि हालांकि काव्या का चेहरा क्यों यकसिन से अधिक सुंदर था लेकिन उसके शरीर और कद की तुलना क्यों यकसिन से नहीं की जा सकती थी क्यों युक्सिन आखिरकार एक परिपक्व महिला थी और उसने सेक्सी और स्टाइलिश तरीके से कपड़े पहने थे वह उनमें से सबसे अधिक ध्यान देने योग्य थी जबकि काव्या एक छात्र की तरह दिखती थी और उसने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया हालांकि काव्या ने परवाह नहीं की और लेंग शोटिंग नहीं चाहते थे कि दूसरे पुरुष भी उनकी प्रेमिका को घूरें जू किन्न भी आकर्षक थी लेकिन फिर भी क्यों के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी क्या वह जू परिवार की बेटी नहीं है क्या आपका मतलब सुपरित जू परिवार से है हाँ वह मास्टर जू के दूसरे बेटे की बेटी है और उसे जू किन्न कहा जाता है और मुझे लगता है कि मैंने उस लंबी औरत को पहले कहीं देखा है वह बहुत जानी पहचानी लग रही है एक पत्रिका कवर पर होना चाहिए क्योंकि वह घरेलू स्तर पर एक प्रसिद्ध मॉडल है ओह यह वह है अब मुझे पता है कि वह इतनी जानी पहचानी क्यों लगती है वह इतनी सेक्सी है और पत्रिकाओं में छपी तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत है क्यू यक्सिन और जू किन्न दोनों ही उनके लिए जाने पहचाने चेहरे थे